और वो एक ऐसा प्ले था, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है। एक तो था ना जनाबे वाला, मर चुके नहीं, हैं। वो पहले कुत्ते के बाद फौरन दिया था उसको, अच्छा और वो प्ले आई थिंक फवाद भी नहीं करना चाह रहा था हाँ, सही, और उस प्ले का पता ही नहीं चल रहा था कि वो वो धूप में लोग ऐसे, हाँ जिसको हमने बनाया था धूप में सही है। तो वो बेचारा फवाद भी सर जोड़ के बैठा रहता, हम सब बैठे थे करें क्या, उसके भी दिमाग में नहीं आ रहे आइडियाज, हमें भी समझ नहीं आ रहा। कभी हम कह रहे हैं हम जानवर बन जाते हैं, कभी ये बन जाते हैं, कभी यूँ बन जाते हैं, ये हो जाता है, वो तो करते कराते वो बस कुछ हो गया किसी तरीके से। आ गई परफॉर्मेंस की बारी, आ गई डेट, आ गई, हमने परफॉर्म करना शुरू किया। वो आई थिंक नापा की हिस्ट्री का वाहिद प्ले होगा जो 3 रन में ख़त्म हो गया कोई एक कैरेक्टर आया, हमारी किसी की बारी नहीं आई उसमें एक्टिंग की। अच्छा साकिब आया, आफरीदी था और कोई एक और मीसम था। अच्छा साकिब ने जुमला बोला, आफरीदी ने जुमला बोला, फिर साकिब ने 450 पेजेस खाए और आखिरी जुमला बोल दिया। जब आखिरी जुमला गॉड बोला, जो भी जिसकी है वो क्यों था, वो आ गया बेचारा और देखा जी सर और क्या खत्म, और सब यहाँ परेशान के तीन ये क्या हुआ? मिनट तो वो भी एक बड़ा फनी था। तो उसके बाद हमें पता ही चला कि किसकी वजह से, अच्छा ये तो आपको पता ही, तो एक्टर तो कभी नहीं मानता, मैंने तो लाइन दी थी हाँ मैंने तो दी और थी, थिएटर में तुम तो आप बोल दे मुकर भी जाए किसी को, क्या पता हाँ कोई रिकॉर्ड तो है नहीं तो ये थे। अच्छा ये हमारी दफा भी हुआ था, मैं पता नहीं ये लोग मैकबेथ कर रहे थे कौन सा कर रहे थे, और वो भी ऐसे ही जल्दी में खत्म हो डेढ़ गया, दो मिनट में खत्म हुआ और था फिर सब कह रहे हैं कि ये क्या हुआ था इतना लंबा था। तो ये इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत मजे के लगते बहुत है, हैं बहुत और है। याद भी रहते हैं। अब ये स्टूडेंट लाइफ है ना, तो स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत सारे थे। एक दफ़ा कराची में शदीद बारिश हो गई, शदीद बारिश हो गई, और ये वो टाइम था जब मेरे पास गाड़ी होती थी, पेट्रोल नहीं होता था, तो पेट्रोल जो है ना वो दोस्तों के पैसे डलता था, सही तो फिर वो डल के हम लोग कहीं चले गए इधर उधर, बारिश हो गई शदीद बारिश, रोड ब्लॉक जैम। हम लोग 9 बजे क्लासेस से निकले तो पता चला भाई शहर तो जैम हुआ, बंद हुआ। हम्म, अब क्या करें, अब जिया साहब तो चले गए थे, तो अरशद साहब जा रहे थे, हमने कहा अरशद साहब हम क्या करें कैसे जाएंगे, अब मुझे क्या मालूम, तुम लोग अपना जानो चले जाओ, बड़े आए थे ना एक्टिंग सीखने, आप करो इम्प्रूव करो। सर अरशद साहब यहाँ रुक जाएं, रुकना चाहते हो रुक जाओ, हाँ भाई तनवीर व अख्तर देख लेना इनको अगर रुकना चाहे, तो फिर हम सारे जो 8-10 लोग यहीं रुक गए बड़ी वाली क्लासरूम के अंदर, वहीं रुक गए, वहीं हम गाने, लाइट नहीं थी, लाइट गई हुई थी, मच्छर काट रहे हैं उसी में गाने गा रहे हैं, उसी में हमने खाना खाया, उसी में इतनी मौज मस्ती की कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि घर में है नहीं है, घर वाले परेशान हैं नहीं है, क्या हम कर रहे हैं कहाँ हैं कोई नहीं, बस चलो करते रहो। और तो नेपल तो हमारा एक तरह से दूसरा घर हो हाँ गया था, मेरा सुबह था, से शाम तक पड़े रहते थे हाँ और जब कोई शाम में निकाले जाते थे कि भाई हाँ अब चले निकाले जाओ जाते थे 9-10 बजे, हमें तो निकाले जाते थे, अब दफा हो जाओ भाई यहाँ से, हाँ सब चले गए अब तो चले जाओ, अच्छा अच्छा जा रहे जा रहे। अच्छा तो ये जब सब आप 3 साल करके निकले तो फिर क्या था, फॉरेन काम मिल गया था या वही रेडियो पे चले गए या प्लेस किए, क्या किया? मैंने बीच में ही रेडियो करना शुरू कर दिया था, जब मैं सेकंड ईयर मेरा ख़त्म हुआ तो मैंने रेडियो शुरू कर दिया था, क्योंकि वो पे सस्टेनेबल नहीं हो पा रहा था मेरे लिए नैपा, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली ये बगावत करनी पड़ी। तो मैंने कहा कि अगर निकाला जाऊँगा तो सर मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ये भी तो है हाँ चलाना है, बिल्कुल तो मैंने रेडियो शुरू कर दिया था। रेडियो अच्छा, ये नैपा ख़त्म होने के फ़ौरन बाद मैंने एक ट्रूप ज्वाइन किया था, नया नया ट्रूप वो बनना शुरू हुआ था, उसका नाम था ऐसा करोगे तो कौन आएगा, वो था हाँ इम्प्रोवाइज्ड इम्प्रोवाइजेशन कॉमेडी ट्रू। तो अफराज की एक दिन मेरे पास कॉल आई नेपा ख़त्म होते ही कि यार ये इस तरह का ट्रू बन रहा है, तुम देना चाहोगे आना चाहोगे, मैंने कहा हाँ मैं आ जाता हूँ चलो। मैं गया उधर, 4-5-6 नेपा के भी लोग थे सब, हम और भी बाहर के लोग थे, हम लोग करते रहे रिहर्सल्स, करते रहे करते रहे करते रहे, और वो एक एक करके लोग छटते गए छटते गए, और वो एंड में वो 6 लोग बचे और उससे वो ट्रूप बना। सही असफर अली जो हाँ है उन्होंने वो उसको प्रोड्यूस किया डायरेक्ट किया, इट वॉज हिज आइडिया, और जीशान वॉज देयर, हाँ फिर दो तीन बाहर के लोग थे, 3 नैपा के थे, मैं अफराज और साकिब। हाँ तो फिर हमने वो थिएटर पे बहुत किया, सही हमने PACC बुक करा के हम लोग 4-4, 6-6, 5-5 दिन की हम लोग परफॉर्मेंसेस करते थे। फिर वो करते करते साल 1.5 साल हमने फिर उसको इतना बड़ा बना लिया था कि फिर हमारे पास ब्रांड आ गया, फिर हम टीवी पे ले गए, टीवी पे वो था लाइट ऑन के नाम से, हाँ तो वो पाकिस्तान का
फॉर दैट मैटर पाकिस्तान नहीं, वो तो सब कॉन्टिनेंट का पहला उर्दू इम्प्रोवाइजेशन कॉमेडी ट्रूप था हमारा, वो हमने किया दो सीजन्स चैनल के लिए। उसके बाद फिर उस जमाने में कॉमेडी की नीड नहीं थी आई थिंक इंडस्ट्री को, उस वक्त बॉम्ब फट रहे थे, गोलियाँ चल रही थी, न्यूज़ का ज़माना था, तो वो इंडस्ट्री ने उतना उसको वो नहीं किया, एंटरटेन नहीं किया। हालांकि अभी जब मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं कि वो आपको का शो था, वो था जो उस वक्त की यंग जनरेशन थी या जो बड़े हो रहे थे। फॉर दैट मैटर बहुत सारे सीनियर एक्टर्स भी मिलते हैं तो वो यही कहते हैं क्या तुम लोग का वो बड़ा ज़बरदस्त था, अब क्या फ़ायदा बोलने का, यहाँ तो बोल देते हो, चैनल के सामने बोलना था ना। लेकिन चैनल पे तो मैं अब भी देख रही हूँ कि बहुत कम कॉमेडी के कोई सीन्स हो रहे हैं ऐसे, या सिटकॉम्स बहुत कम आ रहे हैं भाई। वो असल में देखिए कॉमेडी तो अब बहुत हो रही है लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीवी पे नहीं हो रही। हाँ सही है, वो इंटरनेट पे बहुत हो रही है, बिल्कुल स्केचेस स्केट्स ये फलाना ढिमकाना। टीवी पे जो हो रही है वो सिटकॉम हो रहा है। हाँ। जो एक चैनल का एक एक सिटकॉम बना हुआ है, बिल्कुल, और वो इतना मीडियोकर है, फॉर्मूला एक बन गया, एक चीज़ हिट हो गई तो बस अब बस वो चले जा रही है, अब उसके अंदर इनोवेशन नहीं ला रहे। कुछ चैनल्स हैं थोड़े से गटसी के वो कर लेते हैं। हाँ। कुछ चैनल्स हैं जो ऑब्वियसली हालात ऐसे बुरे हुए हैं कि कोई आप वो नहीं करना चाह रहे, रिस्क नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि देखें चैनल की भी इन्वेस्टमेंट्स लगी हुई हैं, उसने भी सेट बनाया है, एक्टर हैं ये, तो उसका भी पैसा लगा हुआ, तो वो रिकवर करेगा तो ही वो नई चीज़ बनाएगा। फिर एक बहुत बड़ा वो आ गया अब आपके पास चैलेंज आ गया कि डिजिटल से कैसे लड़े। हाँ। एक चीज़ फॉर एग्जांपल, एक चीज़ आप 10 रुपये लगा के बना रहे हैं और एक बंदा इंटरनेट पे कैमरा ऑन करता है और बोलता है उसके हज़ारों व्यूज़ आ रहे हैं और आपने इतना बड़ा सेट लगाया है, सब किया हुआ है, आपके व्यूज़ ही नहीं आ रहे, तो अब वो जो करने वाला है वो परेशान रहते हैं कि यार मैं करूँ तो क्या करूँ। अब क्योंकि अब आगे वो कंटेंट इज द किंग, बिल्कुल, अब ये कैमरा कोई सा भी हो, लाइट कोई सी भी हो, जगह आप स्विट्जरलैंड में बैठे हो या गाँव में बैठे हो, फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो 2 मिनट अच्छा लगेगा, उसके बाद आप बोल क्या रहे हैं, प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, कहानी क्या दे रहे हैं, वो मैटर करता है। और नैपा ने हमें ये चीज़ सिखाई, बिल्कुल, और ये सबकॉन्शियसली मैंने सीखी, मुझे नहीं पता था कि नैपा मुझे ये सिखा रहे, 3 साल मुझे नहीं पता था लिटरली, लेकिन जब मैं बाहर निकला और मैंने रेडियो किया, मैंने बाकी चैनल पे काम किया, जो मैंने शुरू शुरू में अर्ली टाइम टीवी किया ये किया, तो मुझे पता चला कि अच्छा नैपा ने बेसिकली मुझे सिखाया क्या है। एक्टिंग करना तो हर कोई सिखा देगा, सही, एक्टिंग आप 10 साल बाहर इंडस्ट्री में काम करें तो आपको सिखा देंगे, जो टीवी की हमें स्टैंडर्ड जो एक्टिंग है वो वाली ना, लेकिन जो स्क्रिप्ट पढ़ने का तरीका, कहानी बताने का तरीका, वो नैपा ने सिखाया मुझे। तो ये आपको हेल्प मिली इसको बहुत सारी अपना रेडियो शो करने में भी? बहुत बहुत, वो इसलिए क्योंकि नैपा से पहले जो मैं रेडियो करता था वो मैं एक जनरल रेडियो करता था कि यार एक मिनाज अली अस्करी 18 साल का बच्चा बैठा है और वो अपने दिमाग की बकवासियत रेडियो पे झाड़ रहा है और उसे जो कनेक्ट कर रहे हैं वो कह रहे वाह वाह वाह, जो कनेक्ट नहीं कर रहे कह रहे बकवास, वाह, टिपिकल कोई इसका वो था ना, स्टार्टिंग थी ना एंड था, कुछ नहीं था, बस मुझे 2 घंटे जाके बोलना है, एक आइडिया है, ये है वो कर। आफ्टर डूइंग नैपा मुझे फिर पता चला कि अच्छा अब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो 10 लोगों के सामने बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ, कोई रीज़न है उसका बोलने का, या अगर मैं कोई कहानी बता रहा हूँ तो उसकी एक स्टार्टिंग है, उसका मिड है, एक एंड है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिर मुझे समझ में आई और फिर उसकी वजह से आई थिंक मैंने रेडियो पे बहुत बड़ी एक कुछ तहलका मचा दिया अकॉर्डिंग टू पीपल, मुझे नहीं पता कि वो तहलका था नहीं, मैं तो ये मेरे लिए एक नॉर्मल सी चीज़ थी, सही, कि मैंने वो हॉरर शो क्रिएट किया, उसके बाद वो हॉरर शो बनाई, कोई हॉरर शो ना हॉरर, मैं कहा जिंदगी में मैंने और भी काम किए हैं, ये रेडियो पे हॉरर शो मेरे साथ कनेक्ट हो गया, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट आइडिया ना, रेडियो पे किसी ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया फॉर दैट मैटर। अब मैं जब मैंने सारा शिफ्ट किया अपना यूट्यूब पे डिजिटल पे किया तो मुझे अब पता चला कि मुझे इंडिया से कॉल आ रही है, स्विट्जरलैंड से कॉल आ रही है, अमेरिका से कॉल आ रही है कि आपका वो रेडियो हम जो है ना उस वक्त सुनते थे। मैंने कहा तुम कैसे सुनते थे? कह रहा है वो असल में होता ही था कि आपका शो कोई जो है ना उस ज़माने में अपलोड कर देता था किसी और चैनल पे जो अपलिंक हो रही होती थी उसकी इंटरनेट पे, अच्छा, तो वहाँ से हम आपका शो सुनते थे, तो इंडिया वाले भी सुन रहे हैं तो वो भी सुन रहे हैं। मैंने कहा अच्छा है।